नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कृषि परिवर्तन और हम खड़े हुए गेमखेड़ा ग्राम के किसान कमल नागर जी के खेत में। और ये जैविक खाद का प्रयोग 2 एकड़ खेत में कर रहे हैं। पिछले तीन बार से इन्होंने प्रयोग किया है और उन्हीं की जवानी अपने अनुभव बताएंगे कि जैविक खाद से इनको क्या फायदा हो रहा है। इन्होंने DAP की मात्रा भी कम करी है। तो कमल जी, आप हमें ये बताइए कि आप ये जैविक खाद कब से डाल रहे हैं? 3 बार 3 बार से तो आपको क्या फायदा दिखा इसमें? इसमें बहुत फायदा देखा। क्या फायदा है इसमें? एक तो नमी बनाए रखता खेत में, अच्छा दूसरा फसल जो है बहुत अच्छी निकली, मोटा दाना भी आया, अच्छा लंबाई भी अच्छी निकली इसमें हाँ हाँ धान में। और ऐसे बहुत से फायदे, जमीन में पैर भी अच्छे गड़ते हैं ताकि जमीन मिट्टी जो है मुलायम होती है, मुलायम बनी रहती है इससे। तो उससे ट्रैक्टर का समय भी आपका बचता हाँ, है। बचता कम लगता है। तो आपने गेहूं में भी डाला था इसको, तो हाँ, गेहूं के क्या अनुभव रहा है इसमें? गेहूं में अच्छा अनुभव रहा। एक पानी दिया अपन ने खेत में और 15 क्विंटल एकड़ कम से कम अपन ने काटा इसमें, एक पानी के गेहूं, एक पानी को और जनरली जो किसान है वो 2 पानी 3 पानी, दो पानी में काटा हमने। है ना, और उतना ही उत्पादन निकला। तो और क्या गेहूं में अनुभव हुआ आपको, गेहूं के खेत में? अब इस साल नया प्रैक्टिकल और करेंगे। हमने सिंगल बोनी करी अच्छा गेहूं में, हाँ गेहूं में, 50 किलो गेहूं, 50 किलो 50 किलो खाद। खाद कौन सा? DAP मिलाया था हाँ, DAP 50 किलो, और जैविक खाद? नहीं जैविक खाद पहले फेंक दिया अच्छा था। जैविक खाद पहले ही डाल दिया। हाँ, तो आप कौन सा जैविक खाद प्रयोग कर रहे हैं? बरदान। बरदान जैविक खाद प्रयोग कर रहे हैं। तो आपने बीज भी कम डाला, खाद हाँ, बीज भी कम डाला, भी कम किया, तो खाद भी कम किया। उसका क्या असर दिखा आपको गेहूं में? गेहूं में हमारा बराबर रहा। जैसे लोग क्विंटल एकड़ बीज डालते हैं, क्विंटल एकड़ खाद भी मिलाते हैं, और उसके बाद भी बावजूद भी जो उनकी फसल और अपनी फसल बराबर निकली। तो ये आप किसका असर देखते हो, खाद का कौन से वाले का? बरदान जैविक खाद का। तो जैविक खाद से आपको फायदा हो रहा है, फायदा है। तो आप देख सकते हैं कमल भाई 3 बार से जैविक खाद उपयोग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इससे फायदा आप देख सकते हैं। इसमें मिट्टी नरम हो रही है इनकी, सूखने के बाद भी आप देखिए कितनी नमी बनी हुई है। और आप हमें कमल भाई ये बताइए कि इसमें अभी आपने कीटनाशक का छिड़काव किया कि नहीं अभी तक? अभी नहीं किया। तो आपकी धान स्वस्थ है, हाँ, अभी स्वस्थ है। जरूरत नहीं है अभी कीटनाशक की, हाँ, तो अभी डालेंगे भी नहीं आप, अभी नहीं डालेंगे। है ना? जब जरूरत हो तब हमको किसी चीज का प्रयोग करना है, नहीं तो नहीं नहीं करना। करना, तो आपको जैविक खाद से एक फायदा ये भी हुआ कि इसमें रोग नहीं लगते, रोग बहुत कम आता है। बहुत ही कम आता है ना। तो हमारे कमल भाई जैविक खाद से संतुष्ट है। अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि DAP आपने 50 किलो तो कम कर ही दिया है, तो आप और कम करना चाहेंगे? अब जैसा फसल बताएगी वैसा करना पड़ेगा। अभी तो हमने 50 किलो सीधा कम हो गया अपना। 50 किलो कम हो हाँ, गया, तो हमारा आपसे एक मानना है कि आप 50 किलो को भी धीरे धीरे 10-10 किलो कम, वो कम करते जाएंगे धीरे है ना, धीरे। तो 2-1 साल में ये भी खत्म हाँ, हो जाएगा और यूरिया को भी आप धीरे धीरे बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। तो अभी तो आपने 2 एकड़ में ये प्रयोग करके हाँ, देखा, 2 एकड़ में तो आप बाकी की जमीन में भी करना अब चाहेंगे आगे बढ़ाएंगे अगली बार से? अगली बार से। चलिए ठीक है। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कमल भाई के अनुभव, उनके खेत के धान में वो 3 बार से खाद प्रयोग कर रहे हैं और संतुष्ट हैं, और DAP की मात्रा भी उन्होंने कम कर दी, उनकी जमीन में सुधार हो रहा है। इसी प्रकार खेती से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे कृषि परिवर्तन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और खेती से जुड़े रहें और खुश रहें और किसान कहने से डरे नहीं और गर्व से कहें कि हम किसान हैं। नमस्कार साथियों।